हेलो दोस्तों, भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी गति और प्रदर्शन से सभी को ज़्यादा प्रभावित किया है। वो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, इसी कारण बल्लेबाज भी उनसे खौफ खाते नजर आते हैं। पिछले 2 साल से उन्होंने अपना एक अलग ही नाम कमाया है। IPL में उन्होंने हैदराबाद की तरफ से डेब्यू किया था और इसके बाद उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उमरान मलिक ने अभी तक भारत के लिए 8 वनडे और 8 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 24 विकेट हैं। वहीं IPL की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक IPL में कुल 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22 की औसत से 24 विकेट चटकाई हैं। उमरान मलिक के जीवन की बात की जाए तो उनका जन्म जम्मू के एक छोटे से शहर गुज्जर नगर में 22 नवंबर 1999 को हुआ था। वो एक काफ़ी साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और काफ़ी मुश्किलें देखी हैं। आपको बता दें कि उनके पिता एक जूस का ठेला लगाते थे, इसी से उनका पालन पोषण चलता था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी भी उनके पिता जूस का ठेला लगाते हैं। इस चीज़ के बारे में उनके पिता ने बयान दिया है कि पहले ये अब्दुल की दुकान के नाम से जानी जाती थी, वहीं अब ये उमरान के पापा की दुकान के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बताया कि वो अब इस काम को छोड़ना नहीं चाहते और उन्होंने कहा है कि उनके बेटे ने बड़ा नाम कमा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना काम छोड़ दे। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।